गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद ने कबूल किया है कि यूपी पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ उसके सीधे संबंध हैं, जो उसे हथियारों की सप्लाई करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट के अनुसार माफिया अतीक ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख ने सवाल उठाते हुए पूछा कि जिन अधिकारियों ने ब्राह्मण मां बेटी पर बुलडोजर चलाया, उन्हें मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया। किससे कनेक्शन निकलते हैं, क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए एनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण माँ और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनके क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है, और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत देश चलता है, और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में 13 अप्रैल को अतीक और अशरफ को पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतीक और अशरफ को 4 दिन यानी कि 13 से 17 अप्रैल तक की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इसी के साथ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे संविधान में लोगों का भरोसा कम होता है। ओवैसी ने कहा कि आप कानून को भुला देना चाहते हैं, वो रूल ऑफ लॉ गन के जरिए सत्ता चलाते हैं। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को 13 अप्रैल सुबह प्रयागराज में सीजेएम कोर्ट लाया गया। यहां तक कि अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम दोनों को एनकाउंटर में मार दिया गया। उनमें से प्रत्येक पर 5 लाख रुपए का इनाम था, और पुलिस ने दावा किया कि इनके पास से विदेशी निर्मित हथियार भी बरामद हुए हैं। इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अतीक अहमद को उनके बेटे असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है।